राजा के सिपाही है, लो अपनी पोजीशन। बहुत ही खराब रोड है, बहुत हमारे पार्टनर है हमारे साथ विशाल भाई। हेलो, ये गौरव भाई जो पिछली वीडियो में भी थे हमारे। हेलो, चलो चलते हैं फिर। ये इस जगह जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो जगह है ऊपर, चलो आपको वहां जाके दिखाएंगे इसकी हिस्ट्री पूरी। हाँ, इनको गढ़ बोलते हैं, इनकी हिस्ट्री हम आपको वहां जाके बताएंगे पूरी। तो चलो फिर। ये हम अपने जीरो पॉइंट में आ गए। ये जो सड़क है पीछे, ये देखो मेरे, ये आ रहा है, ये आ रहा है खैरी टाउन की तरफ। और ये जो इस साइड जाएंगे हम, इससे चल जाएंगे सलूनी चंबा बनके। आ गए आप? मैं तो पैदल ही आ गया था। आ गए आप? अच्छा, बड़ा टाइम लगा दिया यार आपने, खोल दो जरा दरवाजा। चलो यार, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। वो है हमारा डेस्टिनेशन, ये ऊपर दिख रहा है आपको। ये बहुत ही खराब रोड है, बहुत ही ज्यादा खत्म हुआ रोड है, खत्म। ये आगे वाली चढ़ाई देखो आप कैसी है। ये कोई रोड है यार, ये रोड है यार भाई। पहला गेट डाल दिया, और देखो रोड है डाल दिया। ये रोड गया हमारे शेरपुर की तरफ, और ये गया हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। हम चलते हैं उस मंदिर में, चलते हैं तब तक। हम एक अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो भी आ रहा है हमारे साथ। तब तक हमारी डेस्टिनेशन ऊपर, वो देखो ऊपर दिख रहा है, ये टॉप में यहाँ जाएंगे हम। बड़ी प्यारी जगह है, गए तो नहीं हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सारे, पर सुना है काफी प्यारी जगह है। तो ये है यहाँ लैंड स्लाइडिंग, मतलब अब तो ये शांत है काफी सालों से, बट पहले इतनी चलती थी कि ये रोड हमेशा खराब ही होता था हर टाइम। से इलाके का फेमस लाल पुल, और ये रोड जा रहा है देखो, ये यहाँ से ऊपर गया मेरे गांव का और आगे चला गया खैरी की तरफ। चलो मैं आपको यहाँ पे एक मंदिर दिखाता हूँ काफी अच्छा, जय श्री गढ़शंकर जी का मंदिर है। ये काफी प्राचीन पुराना मंदिर है काफी ज्यादा। यहाँ पीछे गुफा है, ये देखो यार गुफा है, इसको नाग देवता मंदिर बोलते थे। वो देखो आपको नाग जी वो दिख रही होगी, बनी हुई है ना। अच्छा, मूर्ति ये तो पत्थरों के अंदर, वो ही बना हुआ नहीं, पत्थरों के बीच में। देखो ये गढ़शंकर मंदिर, ये सामने गढ़शंकर मंदिर का आगे। चलो फिर चलते हैं हम आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखो सामने ये चोड़ा डैम, ये तो आपने देखी होगी, चमेरा लेक जो है, जो चमेरा लेक है उसके पे बनी हुई है ये, देखो। ये यहाँ हम रुके हैं यहाँ पे, ये देखो मेरे पीछे आप चोड़ा डैम, जो हमारे इलाके की खासियत है। ये कब बनी थी भाई? ये 1985 में बनी थी ये डैम, 540 मेगावाट की ये डैम है। अगर आपने इस जगह में आना है तो
ये ऊपर से आ रहा है बनिकेत से रोड, यहाँ से मुड़ता है इस जगह से, यहाँ से चल जाएगा बोटिंग पॉइंट की तरफ और एक आ जाएगा यहाँ से इस साइड को, यहाँ से फिर ये चला गया मेरे गांव की तरफ और ये चला गया जहाँ हम अभी जा रहे हैं, ये ऊपर को कच्चा रास्ता, ये अभी नया नया बना है अभी। चलो फिर चलते हैं आगे। ये जाएंगे हम यहाँ से, ये देखो पूरा खराब रोड है पूरा ऊपर तक। हमने रोड जो बनाया पूरी पहाड़ी काट के बनाया हुआ, क्या सुंदर, वाह। यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे हम और यहाँ से अब छोटा सा ट्रैक है वहां जाने के लिए, चलें फिर भाई। चलते हैं भाई, चलें, चलो चलो जनाब चलो। अच्छा वो है ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ जाना है, यहाँ की हिस्ट्री भी दिखाएंगे बताएंगे हम आपको, ऊपर जाके बताते हैं कि यहाँ पे क्या किया करते थे पहले, राजाओं के टाइम का बना हुआ है ये। चलो फिर, ये है हमारा रास्ता, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। बोलो गणा वाली माता की। चलो आपने मेरी एक वीडियो में देखे थे, मैंने दिखाया था आपको, उनको क्या बोला था मैंने, गंगोड़ू क्या बोलते हैं इनको वैसे, कैमलू है ये, कैमलू। चलो थोड़े थोड़े कैमलू खा लेते हैं, बचपन में बड़ा खाया करते थे हमने। जंगल का एक फ्रूट है, काफी टेस्टी है, काफी टेस्टी है जंगल का फ्रूट और ये व्यू, आहा। सब भूल गए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हम सारे। भाई मिला रास्ता कहाँ से है, कैमड़ू ही कैमड़ू, कौन सा गाना था, कैमड़ू पकोरे डाला डाला हो, हाँ। ये हम टॉप में पहुंच गए, व्यू देखो आप क्या बात है, यहाँ जाएंगे हम ऊपर। फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन में, ये है हमारा, देखो ये जो बने हुए हैं ना, ये राजा के टाइम के बने, मतलब 10वीं-12वीं शताब्दी के बने हुई चीज़ें। भाई क्या था इनका, क्या मतलब क्या रोल था इनका? ये वही गढ़ हैं जो घर से दिखाई देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या था कि राजा के टाइम के ना, जब राजा होते थे तो यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस होती थी। शूटिंग मतलब, अच्छा वो फायरिंग प्रैक्टिस होती थी। अच्छा अच्छा, जो राजा के सैनिक वगैरह होते थे, हाँ हाँ, वो आते थे यहाँ पे। अच्छा, ये देखो आज आता है कि राजा भी आते थे यहाँ पे। अच्छा, राजो का ये वो है नहीं, मतलब यहाँ से ये अपनी एक तरफ से सेफ्टी करते हैं, जैसे भी तो टॉप में बना हुआ है, जैसे हंटिंग के लिए भी आते थे। अच्छा, शिकार के लिए यहाँ से। ये देखो कैसा बना हुआ है, वाह यार, ये तो है पूरा बैठने को बना हुआ पूरा। ये देखो, इधर दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे बैठ जाएंगे, हाँ, यहाँ नीचे, हाँ, और यहाँ पे जो होती थी वहाँ की बड़ी सी वो उनकी धुनाली, अच्छा, उसको रख के, अच्छा, तो प्रैक्टिस, बस ये सारे उसी के लिए बने हुए हैं, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये वाह, ये देखो आप, क्या तगड़ी चीज बनाई है नी। अरे गौरव भाई, आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएंगे, क्योंकि ये राजाओं की जगह है इसलिए हम यहाँ पे राजाओं के टाइम का एक गाना सुनाएंगे। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट। बंदूका राजा होया तैया, मारी जे लेना वसैले बागे दामो, भरिया बंदूका राजा होया तैया, मारी जे लेना वसैले बागे दामो,
ना तू सामारे ओ राजा चिड़िया तोते, ना तू सामारे ओ सैले बागे दामो। ये देखो ये है मेरा गांव, कहाँ गया ये वाला गांव, बस इस गांव के पीछे, हाँ इस पहाड़ी के पीछे है मेरा गांव, वहां से आया हम भाई, रोड आया था। भाई ये आपके ऑटो को क्या हो गया? क्या हुआ? ये काले क्यों हो गए? वो खाए ना भी। अच्छा वो जो कैम हुआ। अच्छा देखो मेरे भी थोड़े थोड़े हो गए हैं, उससे वोट काले हो जाते हैं थोड़े। काले नहीं वायलेट है। हाँ 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 छूट गया था, वो भी पहुंच गया है। हाय कर दो यार। हेलो। अब हम आपको लेके जा रहे हैं, ये तो हो गया हमारा, अब एक अच्छी सी जगह दिखाते हैं आपको। ये किस चीज के लिए यार? वाह ये क्या बनाया हुआ है? यहाँ पे फ्लैग होता था। अच्छा यहाँ पे राजा का अपना झंडा लगाया जाता था। व्यू देखो यार आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ। ये जो नीचे से मैंने बताया था आपको चोड़ा डैम से ऊपर को आएंगे तो बीच में आएगा एक चोड़ा गांव का नाम है, उसके बाद ये है ये ककियाना है, उसके थोड़ा सा पीछे नीचे कहीं भी आप गाड़ी लगा के ऊपर आके ये जगह देख सकते हो, काफी हिस्टोरिक जगह है, आना चाहिए ऐसी जगहों में। ये है गढ़ा वाली माता, यहाँ हम अभी जा नहीं रहे क्योंकि काफी लेट भी हो गया है, ऐसे बोला जाता है कि ज्यादा लेट जाते नहीं ऐसे मंदिरों में, तो इसलिए हम जाएंगे दूर से इसका। जय गणा वाली माता। क्या पेड़ है यार? शू बोलते हैं इसको, शू। इसका वो ही है ना जो इसका जो दूध होता है वो आंख में जाए तो? हाँ जेल टाइप होता है और इसकी ना अच्छा एज ए ग्लू भी यूज होती है। अच्छा तो देख लो गाइस अगर कोई आएगा तो इसको टच मत करना क्योंकि इसको जो वाइट वाइट सा निकलता है वो काफी जहरीला होता है वो। हाँ दिखाओ। ये जो दूध निकल रहा है काफी जहरीला है। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, यहाँ राजाओं के इलाके में खत्म करेंगे हम वीडियो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आप ये अच्छी अच्छी वीडियो देख पाओगे। बाकी ओके बाय। व्यू देख लो साथ में जाते जाते।